बनाने लगे हैं चिकन नगेट्स, और चिकन नगेट्स की रेसिपी बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी है, और ये बिल्कुल प्रोफेशनल और ऑथेंटिक रेसिपी है। आप इसको फॉलो करें और बहुत अच्छे नगेट्स आपके बनेंगे। मैंने थोड़ी सी चेंजिंग की है इस रेसिपी के अंदर। इस रेसिपी जैसे केएनएंस के नगेट्स मिलते हैं हमारे पाकिस्तान में, तो उसमें एक फ्लेवर होता है हरे भरे नगेट्स, तो मैं आज हरे भरे नगेट्स बनाऊंगा। सिर्फ ये दो चीज़ें इसकी सिग्नेचर फ्लेवर होंगे हरे भरे नगेट्स में, ये कोरिएंडर, हरा धनिया और हरी मिर्च। अगर आप इन चीज़ों को स्किप कर दें तो ये सिंपल जो यूनिवर्सल नगेट्स होते हैं, स्टैंडर्ड नगेट्स, ये वैसे बनेंगे। अगर ये ऐड कर देंगे तो हरे भरे नगेट्स बन जाएंगे। आप चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं। बाकी आप देखें, मैंने जो जो इग्रीडियंट्स यूज़ किए हैं, ये चिकन मैंने यूज़ किया है 1 kg, ये मैंने इसमें चेस्ट पीस भी यूज़ किया है, और इसमें मैंने थाई का पीस भी यूज़ किया है। 1/2 kg थाई है, 1/2 kg चेस्ट पीस है। इससे बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है और बड़ा अच्छा टेक्सचर बनता है। सिर्फ आप चेस्ट पीस यूज़ ना करें और सिर्फ थाई यूज़ ना करें, मिक्स होना चाहिए। 1/2 kg थाई, 1/2 kg चेस्ट, इस तरह आपका बिल्कुल प्रोफेशनल फ्लेवर आएगा। ये कोरिएंडर है, ग्रीन चिलीज है, ये 1/2 कप ऑयल लिया है मैंने, ये गार्लिक क्लोव्स है, ये 2 लेमन यूज़ करूँगा मैं। बाकी ये ब्रेड यूज़ किया मैंने, ये भी डलेगी इसमें। और ये 3 अंडे हैं, ये ऑर्गेनिक हैं, देसी अंडे हैं। इसके अलावा ये सिंथेटिक विनेगर है, और जो ड्राई स्पाइसेस जो मैंने यूज़ किए हैं सीजनिंग के लिए, सॉल्ट एंड पेपर, गार्लिक पाउडर, स्मोक्ड पेपरिका पाउडर, और ये रेड चिली फ्लेक्स मैंने यूज़ किए हैं, ये आप देख सकते हैं। चलें स्टार्ट करते हैं। पहले हम चॉपर में डालेंगे चिकन, बल्कि जो थाइज होती हैं वो थोड़ी थोड़ा हार्ड मीट होता है, ये पहले डाल देंगे। अब इसके ऊपर हम डाल देंगे ये चेस्ट पीस, और इसको बहुत फाइन मिंस बना लेना है। चिकन का जो कीमा होता है ना, फाइन पेस्ट बन जाएगा ये इसका। इसे में हम इसी स्टेज पर हम डाल देंगे गार्लिक। अब हम सबसे पहले इसमें डाल देंगे लेमन जूस, लेमन जूस के बाद 3 टेबलस्पून विनेगर। हमें इसमें काफ़ी एसिडिटी चाहिए स्टार्ट में, कि चिकन टेंडर हो जाए। अब फिर से ब्लेंड करेंगे। ये अब आप चिकन का टेक्सचर देख सकते हैं। अब ये चिकन आप किसी बड़ी चीज़ में निकाल, लाइक मैं इस प्लेट में निकाल लूँगा, ये काफ़ी डीप है, ये इसको मैंने इस प्लेट में निकाल लिया है। इसका टेक्सचर आप देख सकते हैं। बाकी अगर चॉपर में थोड़ा बहुत चिकन लगा रहे तो इट्स ओके। अब हम इसमें बाकी चीज़ें डालेंगे। अब हम इसमें ऐड कर देंगे, इसमें हम हमने ऐड कर दिए हैं 3 अंडे। 3 अंडों के ऊपर जाएगा 1/2 कप ऑयल। ये वाले सारे स्पाइसेस ये मैंने इक्वली पहले से क्वांटिटी में करके रख लिए थे, ये चले जाएंगे इसमें। अब हम इन स्पाइसेस को कर लेंगे ब्लेंड। अब ये वाले स्पाइसेस हम डाल देंगे चिकन में। अब हमने इसमें डाल दी है ब्रेड। अब हम ब्रेड को करेंगे चॉप, चॉपर में अच्छी तरह इसका बना लेंगे क्रम्स। देखें ब्रेड इस तरह हो गई है। हम सबसे लास्ट में डालेंगे ग्रीन चिलीज,
हमने पहले इसलिए डाली थी क्योंकि हमने इसका भी पेस्ट नहीं बनाना, ये जस्ट लाइट सी क्रश्ड हो जाएगी। इसमें हम डाल देंगे कोरिएंडर, जो इसमें ब्लेंड था ये इसमें डाल दी। अब हम सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे, लाइक जैसे डो बनाते हैं इसकी एक इस फॉर्म में लेंगे, इसको अच्छी तरह मिक्स इस तरह करते जाएं। आप थोड़ा ली जितना आप कर सकते हैं इसको मिक्स कर लें। नगेट्स का जो बैटर है, जो हमारा मिक्स है नगेट्स का, ये रेडी हो गया। अब इसको आप 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख दें और 1 घंटे के बाद जब ये फुल ठंडा हो जाएगा और ये हार्ड भी हो जाएगा, फिर हम इसके नगेट्स बनाएंगे। नगेट्स का जो बैटर है ये रेडी है। अब हम इसके नगेट्स बना के, ये मैंने एक ट्रे ली है काफ़ी बड़े साइज़ की, इसके ऊपर आप एक पोलिथीन रैप कर दें ऊपर, उसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा दें और हम इसके ऊपर नगेट्स बना के अपने सारे यहाँ रख लेंगे और फ्रीज कर लेंगे। देख सकते हैं ये चिकन नगेट्स मैंने बना लिए हैं, आप कोई भी शेप किसी भी साइज़ के बना सकते हैं। मैंने ये सर्कल राउंड शेप में बनाए हैं, आप देख सकते हैं। ये हरे भरे नगेट्स हैं। अब मैं इसको फ्राई करूंगा और आपको टेस्ट करके बताऊंगा कि ये कैसे बने हैं। इसको आप फ्रीज कर दें और ये आप जब दिल चाहें खाएं। बाज़ार के नगेट्स से तो बहुत बेटर हैं। चलें अब इनको फ्राई करके टेस्ट करते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये देखिए मैंने फ्राई कर लिए हैं, साथ ये गार्लिक मायो और चिली सॉस है, ये चिली गार्लिक सॉस है और ये सिंपल केचप है। ये हैं हमारे नगेट्स। ये हमारे हरे भरे नगेट्स रेडी हैं। अब मैं आपको टेस्ट करके बताऊंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आप अंदर से देखें, ये आप देख सकते हैं, मैं आपको टेस्ट करके बताऊंगा। अमेजिंग। ये तो बहुत फिट बने हैं। क्या बाजार के नगेट्स होंगे जो ये घर में बने हैं? ये देखें इसके अंदर ये ग्रीन चिलीज, कोरिएंडर। अब मैं ये ट्राई करूंगा चिली गार्लिक सॉस से। वेरी नाइस, इतना कमाल का फ्लेवर है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें और काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अल्लाह हाफिज़।
अल्हम्दुलिल्लाह।